मंत्री यहाँ पर मौजूद थे ताकि उनके पक्ष में लोगों से अपील कर सके। वहीं अगर हम बात करें तो 2007 में यहाँ पर राजनाथ सिंह ने चुनाव लड़ा था, वो जीते थे यहाँ से। उसके बाद लगातार जनरल वीके सिंह दो बार यहाँ से जीते थे, पंद्रह साल से लगातार बीजेपी का दबदबा यहाँ पर रहा है। वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 30 लाख वोटर है, और जिसमें कहीं ना कहीं जो खासकर भी जो एक साधने की कोशिश होती है वो डोली शर्मा कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चले गए थे, लेकिन डोली शर्मा उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाई क्योंकि उनके साथ कोई भी ऐसा बड़ा नेता उनके साथ नहीं खड़ा था। कहीं ना कहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, या इसके अलावा अगर राहुल गांधी या अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी अगर रोड शो गाजियाबाद तक कर लेते तो कहीं ना कहीं डोली शर्मा फाइट में आ सकती थी। हालांकि अब फाइट में डोली शर्मा और अतुल गर्ग के, लेकिन बीजेपी का गढ़ हो गाजियाबाद माना जाता है, तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि अतुल गर्ग का जो पल्ला है वो कहीं खासकर भारी दिखाई दे रहा है, और जीत के जो दावे हैं उनके वो 10 लाख वोटों से ज्यादा जीतने के दावे उनके दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो पिछली बार जब 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ था तो इसमें 5 लाख 5.5 लाख वोटर जनरल वीके सिंह ज्यादा जीते थे, तो कहीं जीत का आंकड़ा जो है वो इस बार बढ़ा दिया गया है। इस बार अतुल गर्ग से जब भी हमने बात करी तो उन्होंने यही बात कही है कि हमें जीत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ाना है ताकि हम दिखा सके कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो खासकर बीजेपी को पसंद करते हैं, और यही वजह है कि जो एक विधायक को टिकट दिया गया है यहाँ पर, तो एक दबदबा कायम कराया जा रहा है क्योंकि शाहबाद विधानसभा गाजियाबाद के अंदर एक बड़ी विधानसभा है जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटर वहां रहते हैं। वहीं पर सुनील शर्मा को बीते कुछ दिन पहले ही मंत्री बनाया गया है, तो ऐसे में एक हमने सुनील शर्मा से मंत्री जी इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा था कि इस बार बिल्कुल यानी कि देखा जाए चुनौतियां दोनों